पकोड़े तो मजे के लग रहे हैं। अबे यार पकोड़ों में से 2 रुपए का सिक्का निकल आया, ये देख। हां भाई साहब, ये मेरा सिक्का गिरा था पकोड़े बनाते वक्त। पकोड़े खा लेते हैं, शायद और भी सिक्के निकल आए। ये पकोड़े खाने के बाद बड़े से होटल पे खाना भी खिलाना है तूने। हां हां पेंडो, बड़े होटलों पे खाना ऑर्डर करने का तरीका भी आता है तुम्हें? कभी गए भी हो? भाई साहब पकोड़ों का ऑर्डर ले लो, हम बैठ रहे हैं। चलो अमृतसर। हां तो आप बता, बड़े होटल में खाना कैसे ऑर्डर करते हैं? बड़े होटल में जाके सबसे पहले वेटर से मेन्यू मांगते हैं। हाँ तो ठीक है, जाते साथ ही वेटर को कहूंगा हमारे लिए 3 प्लेटें मेन्यू के लगा। मेन्यू की प्लेटें नहीं होती, वैसे ये मेन्यू खाने में कैसी होती है? मीठी होती है। तुम दोनों मेरी नाक कटवा के रहोगे, पता नहीं इतना अरसा कहाँ रहे हो। अपने अपने घर में रहे। मेन्यू का मतलब होता है खाने की लिस्ट, उसी में से बंदा खाना ऑर्डर करता है। ऑर्डर बताएं भैया। अब देखो कैसे ऑर्डर करते हैं। कौन कौन से पकौड़े हैं आपके पास? भैया 4 किस्म के पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और मिक्स सब्जी के पकौड़े। आप कौन से कहेंगे? सबसे पहले एक एक पकोड़ा टेस्ट के लिए मंगवाते हैं। क्या पता कौन से पकोड़े अच्छे हैं, जो अच्छे लगेंगे वही ऑर्डर कर लेंगे, ये होता है तरीका। भाई साहब हर नस्ल का एक एक पकोड़ा टेस्ट करवाओ, जो हमें अच्छा लगेगा वही मंगवाएंगे। ठीक है यार, मैं एक बात सोच रहा हूँ, पकोड़े देख के मुंह में पानी आ जाता है, ये पानी देख के मुंह में पकोड़े क्यों आ जाते हैं? किसी साइंसदान से पूछना पड़ेगा। लो जी ये आलू वाला पकोड़ा, ये बैंगन वाला, ये प्याज वाला, ये सब्जी वाला। अब बारी बारी सारे टेस्ट करते हैं, जो अच्छा लगेगा वही मंगवाएंगे। चक्कर करने गए, पकोड़े तो सारे अच्छे हैं मगर आलू वाले मंगवा लेते हैं। ठीक है मंगवा लो, ये आलू साला भी हर सब्जी या चीज में घुस जाता है। भाई साहब एक प्लेट आलू वाले पकोड़े ला दो। एक प्लेट क्यों, 3 बंदे हैं, 3 प्लेटें मंगवाओ ना। हां हां क्यों नहीं, तुम लोगों ने पकोड़े पे गुजारा करना है, खाना नहीं खाना, तुम फिर पकोड़े खाओ। नहीं 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 छोड़, साला इस धरती का पेड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या बनेगा इस मुल्क का। खाओ जल्दी से, साले खा ले। चले खाना खा ले। कितने पैसे भाई? 100 रुपया। 10 रुपए याद करो, चलो अच्छा 90 दे दो। ये पकड़ो 100, 90 रुपए पकड़ोगे और 10 रुपए तुम्हारी टिप। पकोड़े बड़े तीखे थे यार, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। ठीक है तू जा, तब तक हम खाने का ऑर्डर देते हैं, अब हमें भी तरीका आ गया है। आता हूँ मैं। ये ले सर मेन्यू। मेन्यू यार तू ऐसे कर, के अंदर जितने भी आइटम लिखे हुए हैं ना सारे एक एक ले आ, खा के चेक कर लेते हैं, जो अच्छा लगेगा वही मंगवा लेते हैं। आर यू श्योर सर? सारे ले आऊं? हां सारे ले आएंगे। ठीक सर, एसी की हवा का अपना मजा है, सोफे भी हैं। देख हमने ऑर्डर दिया, खाना भी आ गया। इतना सारा खाना? ओह नो। अबे पेंडुआ इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर कर दिया? बड़े होटलों में ऑर्डर देने का हमें भी तरीका आता है। हमने वेटर को कहा जितने भी आइटम है सब में से एक एक ले आ, जो हमें पसंद आएगा वो हम मंगवा लेंगे। जैसे पकौड़े ऑर्डर किए थे इन साले पेंडुओं ने, उस पकौड़ों वाली रेडी और इस बड़े होटल में कोई फर्क ही नहीं समझा। अब कौन देगा इतना सारा बिल? इनके साथ खाना खा लेता हूं, फिर इनके साथ गेम करके निकल जाऊंगा। ठीक है कर लो फिर चेक, जो अच्छा लगेगा वही मंगवा लेंगे। खाओ खाओ कमीनो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। अच्छा ये भी बुरा, ये भी नहीं है यार, यहाँ तो सब कुछ मजे का है। यार बात ऐसे है, मेरा पकौड़े हजम नहीं हो रहे, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ वॉशरूम से होके आता हूँ, तुम तब तक खाओ, टेस्ट करो, जो अच्छा लगे वो मंगवा लेंगे। निकल लेता हूँ यहाँ से, बहुत लंबा चौड़ा बिल फटेगा। सर कैसा लगा खाना? यार ये सब कुछ चेक करते करते हमारा पेट फुल हो गया है, अब हमें और कुछ ऑर्डर नहीं करना। ठीक है सर, ये जो आपने चेक किया ना इसका बिल बनता है 18,000, वो दे दें। 18,000? तू क्यों परेशान हो रहा है, बिल तो हमारे दोस्त ने देना है। सर आपका दोस्त तो कब का पतली गली से निकल गया है, बिल आपको देना पड़ेगा।